मोबाइल लेना है फोन भाई तो हसी माती ने बुडंग है इया ही बोली गांव उड़को ना नेनु हां 80 साल उम्र हां 80 साल की उम्र में फोन लेने आया हो हां फोन हर से वेर लाग वही है बिदु आगा के कानून चो के मिले हां तोने कहो के ठापड़ियो के फोन मिले अने फोन आयो केरो फोन आयो काले तो दो गई आया हां जिन्होंने 100 डेज पूरे कर दिए निरेगा में परिवार ने कर दिए हैं उनको दिए जा रहे हैं। क्लास 9 से 12 तक जो बच्चियां हैं उनको दिए जा रहे हैं। और आज हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में नैनो देवी जी है, बुजुर्ग महिला है, उनको हमने मोबाइल देकर के पंचायत समिति बाड़मेर में आज इस कार्यक्रम का शुरुआत की है। यहाँ कहाँ कहाँ ये आयोजन होंगे और क्या क्या? अभी फिलहाल तो सरकार का जो डायरेक्शन दे रखे है उसमें पंचायत समिति मुख्यालय पे ही है, इसके बाद और डायरेक्शन आते हैं जैसे जैसे हो सकता है ज्यादा जगह भी इसके वितरण की व्यवस्था की जाएगी। आज हमने देखा है मावी नगर में एक सेंटर है जहाँ पे मोबाइल वितरित किए जा रहे हैं, सैकड़ों महिलाओं की भीड़ एक साथ है। वो देखो बाड़मेर सिटी जो बहुत बड़ी संख्या में लोग जा रहते हैं तो वहाँ है तो हो सकता है लोगों को जो जानकारी मिली है तो हर आदमी देख रहा है आज मिल रहे हैं, जबकि ऐसी प्रक्रिया नहीं है। जिस किसी को मोबाइल दिया जाएगा उसको हमारे कार्यालय से पहले मैसेज जाएगा किस तारीख को आपको दिया जा रहा है और कहाँ दिया जा रहा है। अच्छा, और आज उनको जानकारी नहीं उनको दे दी जाएगी। अब आज के बाद शायद जैसे लोगों को जानकारी होगी तो ऐसी भीड़ नहीं होगी। मोबाइल की क्या क्या फॉर्मेलिटी है? मोबाइल से हमने यहाँ 5 काउंटर लगा रखे हैं और फर्स्ट काउंटर से जैसे पहले जाते हैं इनका देखते हैं इनको मिलना है नहीं मिलना है, उस कैटेगरी में आ रहे हैं नहीं आ रहे। उसके बाद सेकेंड काउंटर पर जाते हैं इनका केवाईसी करना, केवाईसी के बाद इनका कौन सा मोबाइल चाहिए वो करना, इस तरह से पूरी प्रक्रिया के बाद में लास्ट में जैसे जो सरकार द्वारा निर्धारित राशि है 6,800 है उसमें से 6,125 तो मोबाइल के लिए है और बाकी वाली राशि है जो उनके रिचार्ज के लिए है। तो यदि कोई लेडीज या जो भी महिला लेने जा रही है उसने यदि 6,125 की बजाय 6,000 का यदि मॉडल पसंद कर लिया है तो शेष राशि उसके वॉलेट में जाएगी और पूरा कर दिया तो उसको सारे पैसे उसके चले। जो लाभार्थी मोबाइल लेने के लिए आ रहे हैं उनकी क्या क्या फॉर्मेलिटी होनी चाहिए? जो लेने आ रहे हैं उनको एक तो जन आधार चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए। अगर किसी का पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ फॉर्म नंबर 60 है वो भरना पड़ेगा। काफी सारे लाभार्थी है या फिर काफी सारी जो महिलाएं हैं वो अभी तक इसी चिंता में है कि हमें मोबाइल नहीं मिल रहा, हमारे पास कॉल नहीं आया, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? नहीं, उन्हें जल्दी कर दिया जाएगा। देखो बड़ा प्रोग्राम है, टाइम तो लगेगा, 2-4 दिन में सारा व्यवस्थित कर दिया जाएगा सरकार का। हमारे पास बहुत मैन पावर है, कोई इसकी दिक्कत नहीं आएगी। 181 पे कॉल करने के लिए जो है 181 पे कॉल करने के लिए वो क्या प्रक्रिया है? इससे संबंध में कहाँ है वो? 181 पे तो ये है कि जैसे किसी भी नागरिक की कोई भी समस्या है वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए छूट वो तो बाद की प्रक्रिया में, अगर कुछ छूट जाता है ना इस प्रक्रिया में तो उसके लिए 181 पे कर सकता है वो।